हाय एवरीवन, मैं अंजनी कुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। HCC यानी कि हिंदुस्तान कॉन्ट्रेक्शन कंपनी में सिविल इंजीनियरों के लिए जॉब है। सो दोस्त, इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि इस जॉब को आप कहां से अप्लाई कर सकते हो, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग की कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, और किस पोस्ट के लिए HCC यानी कि हिंदुस्तान कॉन्ट्रेक्शन कंपनी रिक्रूटमेंट करा रहा है। सो इस वीडियो में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको सिंपली सर्च बॉक्स में hccindia.com टाइप करना है। hccindia.com क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं hccindia.com टाइप करने के बाद हम HCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। पर HCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद वेबसाइट के कॉर्नर पे आपको 3 लाइन का एक बॉक्स दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, 3 लाइन वाले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली नीचे देखेंगे तो यहाँ कैरियर का ऑप्शन है, कैरियर पर क्लिक कर देंगे। कैरियर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटी पे आप क्लिक कर देंगे। अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा है करंट ओपनिंग, करंट ओपनिंग पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में सिविल इंजीनियरों के लिए जितनी पोस्ट आई हुई है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहली जॉब की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग कंट्रोल्स, इस पर हम क्लिक करके देखते हैं इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। सबसे पहले जॉब लोकेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BTech सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन BE या फिर BTech सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ओके, और वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 15 ईयर, यानी कि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 15 ईयर यानी कि 15 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। ओके, और डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब अप्लाई करने के लिए आप सिंपली नीचे जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, इस फॉर्म को फिलअप करके आपको सबमिट करना है, ठीक है। सेकंड नंबर जॉब की बात करते हैं, प्लानिंग मैनेजर। जॉब लोकेशन यहाँ पे दे रखा है उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर, यानी कि उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आपकी पोस्टिंग होगी। सेकेंड नंबर क्वालिफिकेशन की बात करें, BE BTech सिविल इंजीनियरिंग PG इन कॉन्ट्रेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 12 ईयर एबव, यानी कि 12 ईयर आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आप सिंपली नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। थर्ड नंबर जॉब की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर। जॉब लोकेशन की बात करें तो मुंबई उत्तराखंड, यानी कि आपका जो वर्किंग एरिया होगा वो मुंबई या फिर उत्तराखंड होगा। ओके, क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BTech सिविल इंजीनियरिंग PG इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 12 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपली आप नीचे जाएंगे तो अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ नंबर जॉब की बात करें तो इंजीनियर डिजाइन विथ हाइड्रो एक्सपीरियंस, इस पर देखते हैं क्या क्या है। तो जॉब लोकेशन की बात करें तो मुंबई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BTech सिविल इंजीनियरिंग PG इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 to 6 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली आप नीचे देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। ओके, 5 नंबर यानी कि लास्ट जॉब की बात करें तो आप देख सकते हैं इस जॉब का नाम है डिजाइन विथ अंडरग्राउंड हाइड्रो एक्सपीरियंस, मतलब आपको डिजाइन आनी चाहिए और इसके साथ साथ अंडरग्राउंड हाइड्रो एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ओके, अब सबसे पहले जॉब लोकेशन की बात करें तो मुंबई, क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग ME MTech,
यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ एमटेक स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 12 टू 18 यानी कि 12 साल आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपली आप नीचे देख सकते हैं कि अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से जाके आप अपना फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं, आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्त आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।